दीन बंधु दया निधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। कोशलेश मिथुलेश्वरी और सिद्धि करो मम काम, बाणी वर्णन के प्रथम बोल सिया बलराम। दोस्तों, आज मैं प्रवीण कुमार शास्त्री, ग्राम नगला नया घरोर मैनपुरी वाले सनिल कैसेट के माध्यम से आप लोगों के मध्य में भाई राघवेंद्र यादव जी का ये जीवन परिचय हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। सनिल कैसेट कंपनी करहेल रोड घरोर, इनकी रिकॉर्डिंग करता है सनिल भाई। तो सनिल कैसेट के द्वारा प्रवीण शास्त्री के आवाज में सुनेंगे भाई राघवेंद्र यादव, गांव तड़वा उरेग, पोस्ट अहेरीपुर, थाना बकेवर, जिला इटावा के बारे में। दो लाइन भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए चलेंगे दोस्तों। गोविंद गाड़ी भीड़ में और मैं सुमिरत हूं तोई, पति राखी प्रहलाद की बई भरोसो मोए। पति राखी प्रहलाद की बई भरोसो मोए, आज प्रवीण की लाज बचाए ले मोहन बसुरिया मारो। कन्हैया बंसी वाले हाँ, सदा भक्तन के प्यारे हाँ, राघवेंद्र यादव की गाथा सनिल कैसेट में रहे हैं दर्शाए। भाई राघवेंद्र यादव जो गांव तड़वा उरेग के रहने वाले हैं, पोस्ट हेरीपुर, थाना बकेवर, जिला इटावा। राघवेंद्र यादव जी ने सन 2012 से, जब से माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता बनकर के उभरे हैं। इनके पिता कौन है? अरे सहदेव सिंह यादव बन पालो, निज छाती को लड़ रे लड़ाए, मैया अलका देवी ने पालो, निज छाती को के दूध पिवाए। सरदारी
राघवेंद्र यादव की गाथा प्रवीण केसत में देव दर्शाए। समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर के उभरे हैं राघवेंद्र यादव जी। तड़वा उरेन पोस्ट अहेरीपुर के निवासी सभी माताओं बहनाओं से ये प्रार्थना है राघवेंद्र भैया की तरफ से, जीवन में ये तुम्हारे क्षेत्र की कामना, कार्य करने की क्षमता, इन्हें एक लालसा है कि हम अपने क्षेत्र की सेवा करें। तड़वा उरेन के सभी निवासीगण, थाना बकेवर के सभी लोग एक बार राघवेंद्र यादव जी को मौका अवश्य दें और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत बनाएं। नेताजी ने प्रवीण करे हैं विलक्षण काम, दो हजार बारह से सेवा में लगे हुए हैं पूरे मौजा में। बिजली और पानी की समूची व्यवस्था राघवेंद्र यादव जी ने करवाई है, इसलिए समूचे मौजा से, समूचे क्षेत्र से राघवेंद्र यादव जी की तरफ से हाथ जोड़ करके मिलती है एक बार हमें क्षेत्र की सेवा करने का मौका अवश्य दें। अरे पारी उमरिया को रे लौवा है, ओठन पाती है दुख की धार, देवी ने पाल के राघवेंद्र सियानो दो है बनाए। अरे मुखराम बेटा आज रे खड़ा पे लंबे हाथन कदिए फटकारी, विमलेश पंडित अरे ढोलक पे तेरी ताल तू दिए लगा, मन भैया जोग राजपुर से बैठे आज वे सभा में आए। गांव तड़वा और एक पोस्ट अहेरीपुर थाना बकेवर जिला इटावा के लोगों से बार बार प्रार्थना है अपने नेता राघवेंद्र यादव जी के हाथों को मजबूत बनाए ताकि ये जीवन में पूरे क्षेत्र की सेवा कर सके और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उनके कंधा से कंधा लगा करके चल सके। बहुत भारी उम्र है राघवेंद्र जी की, अरे पारी उमरिया पतली कमरिया हो, अरे पारी उमरिया पतली कमरिया ओठन पाती दूध की धार, खुले पति सी राघवेंद्र की कोंदा हो तू है सुरग में जाए।
हमरे राघवेंद्र यादव 14 अप्रैल सन 1992 में इन्होंने इस भारत माता की धराधाम पर जन्म लिया है। 14 अप्रैल सन 92 में राघवेंद्र ने खेले अवतार, हुई गौ तहलका अज दुनिया में यादव वंशी राजकुमार। और भाई राघवेंद्र यादव जी का साथ रहने में कोई कमी कोई कसर, महेंद्र यादव जो जिला पंचायत सदस्य हैं इटावा से, कोई कमी नहीं छोड़ रहे। महेंद्र यादव इटावा वाले आज भैया के संगत नाराती, जिला पंचायत सदस्य कहां में महेंद्र यादव नाम बताए। औलला संतोष और ये कैसे हमारा छोटा भाई संतोष यादव कोंडरा वाले, इनके सानिध्य में इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है सनिल कैसेट के माध्यम से। सनिल कैसेट कंपनी करहेल रोड धरोर प्रोपराइटर हैं सनिल कुमार जी। और बैठे बैठे लला हंस रहे हो, हम तो देख लो दसा। राघवेंद्र यादव नेताजी ये अखिलेश यादव के बहुत बड़े दीवाने हैं। और राघवेंद्र ही नहीं,
जी का कहना है दोस्तों, अखिलेश कन्हैया बन के आई गो है धीरे धीरे। चला पंडित कहाँ भैया मुलायम सिंह को छैया कन्हैया बन के छाई गो है, तीरन मुलायम सिंह को छैया कन्हैया बन के छाई गो है। छैया कन्हैया बन के छाई गौ है, भाइयों और बहनों, भाई राघवेंद्र यादव जी जो गांव तड़वा और पोस्ट अहेरीपुर थाना बकेवर जिला इटावा में पैदा हुए हैं, इनके पिता श्री सहदेव सिंह यादव, मैया अलका देवी ने लोग इनको पाल करके इतना बड़ा किया है, क्षेत्र का आशीर्वाद आज इनके साथ है। और मान्यवर नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव जी का साथ आशीर्वाद इनके सर पर है। हम तो कहेंगे लोगों, सभी क्षेत्र की जनता भैया राघवेंद्र जी को आशीर्वाद और दे दे, सारे जीवन राघवेंद्र जी जनता की सेवा करने में लगा देंगे। सुने, अरे राघवेंद्र जी आज सब हमें सुंदर सूरत रहे दिखाए, और उससे सहदेव यादव जी ने पालक घर में सियाने दे बनाए। और मुलायम सिंह को मुलायम सिंह यादव की धरती पर राघवेंद्र आए ले अवतार, और दुनिया जानती है नहर को हुई गो विदेशन में सरनाम। अखिलेश यादव के तो संग में राघवेंद्र रात दिन और रात, अखिलेश अखिलेश दिल से अखिलेश यूपी फिर रही बुलाए, और काजन लौटो गे सत्ता में दियारा खुशी तब ही मना है। भाई राघवेंद्र यादव जी, इनका एक छोटा भाई और है विपिन यादव, वो भी समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही है दोस्तों। पंडित विपिन यादव के छोटो भैया सेवा कर तू है दिना और राती, ए महेंद्र यादव जिला पंचायत ने राघवेंद्र आगे कुदे हैं बढ़ा
वालों ने बटन दबाए। जब जब मौका मिले दुनिया में सपा को झंडा दे फहराए। अरे करके पिया सी राग बिंदर जी सेवा हित में कूद गए लगी गई लाल साई न के मन में सेवा करेंगे दिना और रात। सन 2012 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से श्री अखिलेश यादव जी को सीएम बनाया गया, 2012 से लेकर के माननीय अखिलेश भैया के साथ में कंधा से कंधा लगा करके चलने वाले श्री राघवेंद्र यादव जी आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अरे संतोष यादव कौन रावे आज राघवेंद्र रहे पतला शास्त्री नंगला नया से गाथा तेसठ में रहे दर्शाए। राघवेंद्र यादव जी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनका एक ही कहना है सब दुनिया हुई गई दीवानी अरे मुलायम के छैया पे। सब दुनिया हुई गई दीवानी नेताजी के छैया पे। दोस्तों भाई राघवेंद्र यादव जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूं। सुन रहे हैं राघवेंद्र यादव जी ने अपने मौजा में अपने क्षेत्र में किस तरीका से बिजली की और पानी की व्यवस्था की है। आशा करेंगे अगर इन्हें सेवा का मौका दिया जाएगा तो जनता खुशी रहेगी सुखी रहेगी। राघवेंद्र ने ये बताया और हम जानते हैं ना कि भारत में वीरों की इस समय जरूरत है। लालमन भैया जा दिन जो दुनिया वीरन से खाली हो जाए महाप्रलय हो जाएगी। जिस दिन ये पृथ्वी वीरांगनाओं से पतिव्रताओं से दानियों से खाली हो जाएगी महाप्रलय आ जाएगी। भारत में वीरों की इस समय जरूरत ही है।
इसी भारत में भाई विवेकानंद से ज्ञानी पंडित और दयानंद महाज्ञानी और दयानंद महाज्ञानी अर्जुन के तीरों की इस समय जरूरत है भारत में वीरों की इस समय जरूरत है होए गौ राग बिंद्र सो छैया समय क्षेत्र में पधारे संग अखिलेश यादव आए संग अखिलेश यादव आए मुलायम से यही रोकी इस समय जरूरत है भारत में वीरों की इस समय जरूरत है राघवेंद्र यादव जी भैया अखिलेश के साथ में जिस समय सभा में संबोधित करते हुए खड़े होते हैं तो लोग सभा में बाह-बाह की आवाज करते हैं प्रवीण राघवेंद्र जैसी सकल मैंने दुनिया में निहारी ना संतोष राघवेंद्र जैसी सकल मैंने दुनिया में देखी ना दुनिया में निहारी ना ललहा दुनिया में निहारी
भारी रंद बेटा नेताजी जैसी सकल मैंने दुनिया में निहारी ना आज बार बार आप लोगों से यही प्रार्थना है विनती है भैया राघवेंद्र यादव जी की तरफ से गांव तड़बा और एक पोस्ट अहेरीपुर थाना बकेवर जिला इटावा के सभी लोगों से ये गुजारिश है प्रार्थना है विनती है कि भैया राघवेंद्र को एक बार सेवा का मौका दिया जाए। अगर अब की बार चूके ना तो ये भूल सारे जीवन रुलाएगी। बकेवर क्षेत्र के सब नर नारी तुमने देखा खूब जमाना और अब की बार नहीं सुधरे तो लुटिए सभी खजाना अब की बार नहीं सुधरे तो लुटिए सभी खजाना इसलिए बार बार समझा रहे हैं अब की बार भूल गए तो सारे जीवन पछताना पड़ेगा। इसलिए राघवेंद्र भैया का साथ देकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाए। साइकिल बालों बटन कनीला और हंस के मित्र दबाइयो अखिलेश यादव को फिर से तुम है सीएम बनाइयो अखिलेश यादव को फिर से भैया सीएम बनाइयो और राघवेंद्र जी बहुत मेहनत कर रहे हैं संतोष यादव हमारे साथ में जरा इनका भी ध्यान रखें वो समय ज्यादा दूर नहीं है। साइकिल वाले बटन का फिर से और हंस के यार दबाना अब की बार नहीं सुधरे तो लुटी है सभी खजाना अब की बार नहीं सुधरे लुटी है सभी खजाना हम तो तब तुम्हारी बढ़िया नेतागिरी मानेंगे। और संतोष यादव कौन रहा बारो जय हंस के गले लगाना अब की बार नहीं सुधरे तो लुटी है सभी खजाना अब की बार नहीं सुधरे तो लुटी है सभी खजाना राघवेंद्र यादव जी का जीवन परिचय आप सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश चिल्ला रहा है बुला रहा है राघवेंद्र भैया को हमें और सब जन लालवर भैया जो राजपुर वाले बहुत हंस रहे हो और तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है। एक तमन्ना है आए है सरकार फिर यूपी में सरकार फिर यूपी में आए हैं सरकार
एक दुल्हन अपने पति को समझाए कि बोली पिया इतने मन ही न हो नोएडा से लखनऊ तक जाता है सरकार आती ना तो बिजली और पानी की निकट ही दुखी ना नहीं अब तो लाइट ही नहीं आज नाए हथी दुखी शासन में बिजली और पानी को चली जाती है लाइट रात में आज करत नानी को है से लोग अपने घरों में चर्चाएं कर रहे हैं और भाई राघवेंद्र यादव जी अपने दिल को तसल्ली बांध करके बैठे हैं वो समय
बहुत जल्दी आने वाला है। और भैया राघवेंद्र यादव जी का जीवन परिचय, संतोष यादव कोड़ा वाले, मनोज यादव कोड़ा वाले, इनके माध्यम से ये हमें प्राप्त हुआ है। जो सनिल कैसेट कंपनी करेल रोड धरोहर के माध्यम से प्रवीण शास्त्री के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह पन्ने दो है। अरे साइकिल दावे चलिए
से रूठ गई और रूठ के बोली कि बीजेपी के शासन में हम बड़े दुखी हैं, तुम्हें काम धंधो कुछ कत्तना है, और जो काम धंधे हटे सो जो नोटबंदी ने कबो जीएसटी ने छीन ले, अब कहूं जाओ दो पैसा को धंधो देखो है ना, और जब धंधो करने लगो ना तब हमारे के लिए छीन ले आई हूं, तब तक गुजर करो जब तक अगले से सरकार ना आए तब तक का बोली। अरे बिछुआ न गोरूठी नार पिया मोए बिछुआ बिछुआ न कोरू थी नार किया होए बिछुआ लियो बाज में, पति समझाए के बोलो कहां मिलते समझाए कि बोली चाहे कहूं चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे आगरा चले जाओ, जो पैसा को धंधो देखो ये कत्ते ही कहा, और तुम्हारी इतनी जरूरत क्यों ना है, ये लड़का भाई हेवे संजा को नहीं छाती लगाए कि समय काट ली, लेकिन जो पैसा को धंधो देखो।
जो जीवन परिचय हम आप लोगों को देकर जा रहे हैं, गलती के लिए राघवेंद्र से भी क्षमा चाहेंगे, श्रोता बंधुओं से भी क्षमा चाहेंगे। मेरी तरफ से एक ही कहना है, जब जब मौका मिले भैया राघवेंद्र यादव को एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि राघवेंद्र यादव की जीत माननीय अखिलेश यादव जी की जीत होगी। समाजवादी पार्टी के कर्मठ हमदर्द और समाज की सेवा करने वाले भैया राघवेंद्र यादव, इनके सर पे अखिलेश यादव जी का हाथ है, आशीर्वाद है, कृपा है। राघवेंद्र के परिवार से एक भौजी बोली राघवेंद्र से, चिंता न करो लला, मैं तो साइकिल को बटन दबाऊंगी और नहीं माने मेरो मनुआ, मैं तो साइकिल को बटन दबाऊंगी नहीं माने मेरो मनुआ। शास्त्री के द्वारा